नाजरीन, ये कोई 8 या 9 सितंबर की बात है, जो है कोई फंक्शन था, इवेंट था, वहाँ पे ऑफ द रैकेट बकौल चीफ जस्टिस साहब के, उन्होंने बात की साफियों से और साफियों ने अगले दिन वो स्टोरी छाप दी कि ये जो उनको एट्रीब्यूट ये किया गया कि उन्होंने कह दिया है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ एक्सटेंशन, ये एज जो बढ़ाई जाएगी, इस तरह की जो सारे मामलात हैं जो मेरे हवाले से अंडर डिस्कशन है। उसके बाद 10 सितंबर को एक जो है रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये मोहम्मद मुश्ताक अहमद साहब, उन्होंने ये फिर क्लारिफिकेशन दी। उस क्लारिफिकेशन के अंदर ये कहते हैं कि ये एक तो ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन थी और काजी साहब ने इसके अंदर ये बताया था कि अगर तो मैं अपने स्पेसिफिक अपने हवाले से कोई अमेंडमेंट आइन के अंदर जो अगर मुझे सिर्फ फ़ायदा देने के लिए की जाती है तो उसको मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा, अदरवाइज अगर ओवरऑल किया जाता है तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। दिस वाज व्हाट इट वाज, इसका जो क्रक्स ऑफ द मैटर। उसके बाद रात को मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में राणा सनावला साहब थे, उनसे पूछा गया खासतौर पर क्योंकि 25 अक्टूबर विल बी द लास्ट डे ऑफ जो है मौजूदा चीफ जस्टिस साहब का, तो उस हवाले से तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। आप लोग काजी फैजीसा साहब से हट जाते हैं तो उसके बाद तो आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता बड़ा मौलाना साहब के साथ? काजी फैज ईसा साहब तो खुद नहीं आना चाहते, उन्होंने एक्सटेंशन को भी जो है वो उन्होंने जो है वो माजरत की, उसके बाद भी जो है वो तो बिल्कुल इस चीज के उम्मीदवार ही नहीं है। कल को अगर हम कहते भी हैं तो वो माजरत कर लेते हैं। तब उन्होंने ये कहा था सिर्फ चीफ जस्टिस की एज की बात नहीं है लेकिन अगर तमाम जजेस की एज बढ़ेगी तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं है, उन्होंने इंकार नहीं किया था? नहीं, उन्होंने ये भी नहीं कहा था है ना। उन्होंने पूछा कि जी आप कोई अमेंडमेंट करने जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि जी हाँ हम चीफ जस्टिस के मुद्दत का तयन करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि फिर मैं इसके लिए अवेलेबल नहीं हूं। दूसरी बात तो हुई नहीं अभी उनसे, ना तो ये मंसूर अली शाह साहब स्पेसिफिक अमेंडमेंट को होने जा रही है किसी को रोकने के लिए और ना ही किसी को रखने के लिए काजी फैज ईसा साहब स्पेसिफिक, ये कोई स्पेसिफिक अमेंडमेंट नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुकम्मल इत्तेफाक राय से अब होगी 25 को हो या बाद में हो, क्या फरमाया सुनिए। अमेंडमेंट का तलक है, अमेंडमेंट 25 से पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। पार्लियामेंट पहले करे वो भी ठीक है, अगर बाद में करे तब भी ठीक है। कंसेंसस जो है अगर कल मुकम्मल हो जाता है तो परसों इजलास बुलाया जा सकता है, अगर 16 के बाद होता है तो 17 को, 18 को, 20 को बुलाया जा सकता है, अगर और 4 दिन लगते हैं तो वो 26 को हो सकता है, 29 को हो सकता है। फवाद चौधरी साहब, अब क्या आपको लग रहा है कि वो पहले एक तासुर ये था एक अक्सरियती जो है राय ये पाई जाती थी कि जस्टिस काजी फैजीसा साहब को एक्सटेंशन देने की कोशिश है, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनेगा तो वहां पर भी उनको एडजस्ट किया जाएगा, अब ये खबर राणा साहब दे रहे हैं। लेकिन हमने माजी में भी देखा कि हर कोई कहता है मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, जनरल बाजवा साहब हमारे चौधरी साहब के बड़े करीबी दोस्त रहे हैं, हमारे से भी उनका तालुक हुआ सर है, तो वो कहते हैं नहीं 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 कोई मैं नहीं लूंगा। फिर जब एक्सटेंशन आती है तो फिर वो आपको पता है एक्सटेंशन फिर जब इस तरह की कानून आइन के अंदर कोई तब्दीली हो जाए तो फिर बहालते मजबूरी लेनी पड़ती है। चौधरी साहब खबर अगर देखिए ना, अगर तो मुस्लिम लीग नून में राणा सनाउल्ला या ख्वाजा साद रफीक ये पॉलिटिकल एलिमेंट है, अगर नून लीग उनकी बातें सुन रही होती तो आज जो उनकी सियासी हैसियत है वो ये तो ना होती ना जो आज है। तो ठीक है, राणा साहब की तो ये ख्वाहिश हो सकती है कि फैज ईसा साहब भी एक्सटेंशन ना लें और बाकी भी ना लें और हम एक जमहूरी तौर पर आगे बढ़े और कंसेंसस से आगे बढ़े, लेकिन देखें इस वक्त बाकी जो लोग इस वक्त चला रहे हैं हुकूमत उनकी तो ख्वाहिश नहीं है, तो इससे ये राणा साहब की बात जो है वो डिसाइसिव नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि आज का जो लेटर है स्पीकर साहब का उससे ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की है वो तो इसका मतलब है होगी, ये पहले भी कामयाब नहीं हुई। अब कल मौलाना फजल रहमान के बारे में जो आ रहा है कि कल वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जो है वो अपना अनाउंस कर रहे हैं, और जो मौलाना फजल रहमान का कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है वो काफ़ी मुख्तलिफ है उस ड्राफ्ट से जो उन्हें दिया गया था, और वो जाहिर है आपने अभी कामरान मुर्तजा साहब का भी टुकड़ा सुनाया कि वो चाह रहे हैं कि कंसेंसस से चीज़ें हों, लेकिन वो एक सीरियस जुडिशियल रिफॉर्म्स करना चाहते हैं जो इस वक्त हुकूमत का मतमा नज़र नहीं है। हुकूमत तो हर सूरत में जुडिशरी को मती करके अपने हिसार में रख के एक एग्जेक्टिव के मातहत जुडिशरी बनाने की ख्वाहिश लेके कि आईनी तरमीम करना चाहती है, और मौलाना फजल रहमान साहब की तरमीम इस मकसद को पूरा नहीं करेगी।
जिसके नतीजे में मौलाना फजल रहमान साहब की मुझे नहीं लगता कि तरमीम आगे जो है वो जा सकेगी। और उसके बाद देखिए अगर ये मंजूर हुई और इस तरह हुई, ये पीसीयू में जो लाए थे मुशर्रफ साहब इफ्तिखार चौधरी साहब को हटाने के लिए, और इस तरमीम में कोई फर्क नहीं होगा, लिहाजा एक बड़ी लॉयर्स मूवमेंट होनी ही होनी है। कल आपने देखा अच्छा फवाद चौधरी साहब, हाँ बिल्कुल सही, वो एक लॉयर मूवमेंट भी आ गई कल जो है। आपको पता है कि हमारे तायाद कायद और पीएमएलएन के जो प्रेसिडेंट है नवाज शरीफ साहब भी मौजूद थे प्रेसिडेंसी में, जरदारी साहब भी, बिलावल साहब भी, मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब भी और मौलाना साहब भी वहाँ पे हैं। और कुछ लोगों हल्कों से ये खबरें आ रही हैं कि शायद उनको राजी कर लिया गया, लेकिन हमारे जो रिपोर्टर हैं जाहिद मिशवानी साहब उनके पास जरा मुख्तलिफ खबर है। पहले आपको आते हैं फिर आपके पास आता हूँ। जाहिद मिशवानी साहब आपको आवाज़ आ रही मेरी? जी जी आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा कुछ क्या खबर है, मौलाना साहब राजी हो गए हैं कुछ खबरें चल रही हैं, या मौलाना साहब अभी तक नाराज हैं, या वो अपने जो भी उनके पास मसवदा है मुजवजा मसवदा जो भी है उसके ऊपर अभी वो उसको एक्सप्लेन करेंगे, या क्या खबर क्या है? इस वक्त मौलाना फजल रहमान को हुकूमत मना नहीं सकी और वो किसी पॉइंट पर नहीं आ रहे, बल्कि उनका ये कहना है कि जो इस वक्त आईनी तरामीम के मुसविदा हुकूमत की तरफ से तैयार किया गया है, अगर उनकी तफसीलात पे गौर किया जाए तो वो इस काबिल नहीं है कि उनको माना जाए। ये मौलाना फजल रहमान के अपने अल्फाज हैं, जबकि जो मुख्तलिफ सियासी जमातें पीपल्स पार्टी, पीटीआई, हुकूमत अपने अपने मुसवदे के हवाले से मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिशें करते रहे और उनसे कहा गया है कि आप अपना मुसवदा लाएं, पीपल्स पार्टी से कहा गया, पीटीआई से कहा गया, हुकूमत से भी कहा गया, और बात चीजें जिनमें उनको मनाने के लिए हुकूमत करीब करीब पहुंची थी और पीपल्स पार्टी और पीटीआई के साथ भी बाज मामलात पे जो इन तरामीम में अगर नुकात हैं, अगर इत्तेफाक हो सकता है तो उन पर भी उन्होंने अभी कोई बात नहीं की और कहा गया कि आप अपना अपना मुसवदा लाएं, हम भी लाते हैं फिर देखते हैं। लेकिन अभी तक ना तो पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई मुसवदा ला के उन्हें पेश किया गया, ना जो है पीटीआई की तरफ से, और हुकूमत की तरफ से भी जो मुतनाज़ा मामलात थे वही डिस्कस होते रहे। तो फिलहाल इस वक्त ये कहा जा सकता है कि मौलाना फजल रहमान को नहीं मनाया जा सका और किसी पॉइंट पे नहीं आ सके।